हुण बिला तखीर मैं खिताब दे वास्ते दावा देना फाजले नौजवान वाजे श्री बयान वाजे खुशलहान शेरबानी आवाज़े यजानी जनाब हजरत मौलाना मुहम्मद रमजान शाकिर साहब नू इंशाल्लाह बड़ा जानदार शानदार खिताब अरशाद फरमाउणगे। तशरीफ लैके आ रहे ने खिताब दे वास्ते शेरबानी आवाज़े यजानी जनाब हजरत मौलाना हाफिज मुहम्मद रमजान शाकिर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير
हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन दी जात वास्ते बेशुमार लातादाद अनगिनत दरुदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुर रुसुल हादिये सुबुल आमिना दे लाल अब्दुल्ला दे दुर्रे यतीम पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम दी जाते गिरामी ते साहिबो आदि साथियो आज दा ए अदीम शान इस्लाहे इंसानियत दे हवाले दे नाल प्रोग्राम दा इनेकाद मेरे फादल भाई मुहतरम जनाब कारी मुहम्मद जमील आसिम साहेब और उन्हां दे रुफाका उन्हां दे साथी अल्लाह दे हुजूर दुआ है रब्बुल आलमीन सबना दियां मेहनतां काविशां नूं अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए और जितने भी इस आदिम शान महफल दे अंदर तशरीफ फरमा हो मेरे बड़े ही काबिल एहतराम मेरे उस्ताद मोहतरम भी और मुअज्जज़ उलमाए कराम अल्लाह सबना दा आना साडा मिल बैठना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए रब्बुल आलमीन ने इस कायनात अंदर हर दौर दे अंदर आपने उलुल अजम पैगंबरां नूं मबूस फरमाया जिन्हां ने आके लोगां दी रहनुमाई फरमाई सब तो आखर ते मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मबूस फरमाया आका अलैहि सलातो वसलाम ने अपनी उम्मत दी रहनुमाई फरमाई है और कियामत तक दे आन वाले लोगां दे वास्ते आप रहबर बन के आए ने जो रब्बुल आलमीन ने आप सलातो व सलाम नू किताब आता फरमाई है ओ भी कियामत तक दे आन वाले लोगां दे वास्ते हदायत दा सर चश्मा है तो रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर आप अलैहि सलातो व सलाम ने अपने फरामीन दे अंदर इंसानियत दी इसलाह फरमाई है और रहनुमाई फरमाई है कुरान पाक दा मुतालिया कीता जाए ए बात समझ आती है कि किते रब्बुल आलमीन ने हमसाए दे हकूक बयान फरमाए ने किते रब्बुल आलमीन ने
वालदैन दे हकूक बयान फरमाए ने जो औलाद जिम्मे ने किते औलाद हकूक वालदैन दे जिम्मे ने किके खामद दे जिम्मे औरत दे हकूक ने किते औरत दे हकूक खामद दे जिम्मे ने किते बड़ियां दे हकूक छोटियां दे जिम्मे ने किते छोटियां दे हकूक बड़ियां दे जिम्मे ने रब्बुल आलमीन ने हर एक दे हकूक एक दूसरे दे जिम्मे बयान फरमा दिते ने और मेरे तेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वात इरशाद फरमाया। आका फरमादे ने मेरी उम्मत दे लोगो नबी रहमत अलैहि सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया। आका फरमादे ने के मल्लम यरहम सगीरना वलम यो अक्र कबीरना मल्लम यरहम सगीरना वलम यो अक्र कबीरना फलैस मिन्ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा मेरी उम्मत दा बंदा आपने तो छोटियां ते शफकत नहीं करदा और जेड़े छोटे ने बड़ियां दा अदब नहीं करदा वो साड़ी उम्मत चो ही नहीं तो गोया के पता चलिया कि छोटियां दे जिम्मे बड़ियां दे हकूक ने और बड़ियां दे जिम्मे छोटियां दे हकूक ने। आओ जड़ी मैं बात अर्ज करना चाहना आज दे इस मुख्तसर वक्त दे अंदर मैं बड़े ही इख्तसार इंशाल्लाह बयान करांगा कि रब्बुल आलमीन ने जिमें बाकी लोगों के हकूक एक दूसरे दे जिम्मे बयान फरमाए ने इंज इस उम्मत दे जिम्मे रब्बुल आलमीन ने अपने नबी दे हकूक बयान फरमाए ने कि इस उम्मत दे जिम्मे भी कुछ नबी दे हक ने हकूक ने ओना चिर ओ बंदा सही माने अंदर मुसलमान ते मोमन नहीं बन सकता जब तलक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हकूक अदा नहीं करेगा। आओ अल्लाह दे कुरान नु समात फरमाओ कि इस उम्मत दे जिम्मे नबी दा पहला हक की है कि नबी रहमत अली सलातो व सलाम ते ईमान ले आंदा जाए। आप अली सलातो व सलाम नु अल्लाह दा बंदा और उसका रसूल मन्या जाए और जो आप अली सलातो व सलाम शरीयत लेके आए ने उस शरीयत नु मन्या जाए उस शरीयत ते अमल कीता जाए। आओ अल्लाह दा कुरान समात फरमाओ अल्लाह दे कुरान दा पहला मुकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो फामिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अंज़ल्ला वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। कायनात अंदर जिंदगी बसर करने वालो अल्लाह फरमा रहे ने फामिनू बिल्लाहि व रसूलिही अल्लाह ते भी ईमान लेके आओ अल्लाह दे रसूल ते भी ईमान लेके आओ वन्नूरिल्लज़ी अंज़ल्ला जो अल्लाह ने अपने महबूब ते नाजल फरमाया है उस नाजल करदा कुरान ते आप दी शरीयत ते भी ईमान लेके आना है। कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबाने नबुव्वत जो ऐलान फरमा दियो, फरमाया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला युहयी व युमीत ला इलाहा इल्ला व युहयी व युमीत फामिनु بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون अल्लाह दे कुरान दा तर्जमा नोट फरमाना। अल्लाह फरमाते ने सोने ऐलान फरमा दियो, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुहाडे सारियां दे वल अल्लाह दा रसूल बन के आया वा। ओ अल्लाह दी जात अल्लज़ी लहू मुल्कु समावात वल अर्द, जिते कब्ज़ा कुदरत अंदर जमीनों आसमान ने, जमीनों आसमान दा मालक अल्लाह है। ओ अल्लाह दी ज़ात ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, ओ अल्लाह दी ज़ात जेड़ी जिंदा भी कर दिए ते मार दी भी है, अल्लाह दी ज़ात जिंदगी भी अता कर दिए, अल्लाह दी ज़ात मौत भी देने वाली है। उस अल्लाह तो इलावा कोई ना किसे नु मार सकदे, ना किसे नु जिंदा कर सकदे। फरमाया वा आमिनु बिल्लाह व रसूलही, अल्लाह ते भी ईमान लेके आओ, अल्लाह दे रसूल ते उस उम्मी नबी ते भी ईमान लेके आओ। ओ उम्मी नबी युमिनु बिल्लाह व कलिमातही, जेड़ा नबी भी अल्लाह ते ईमान रखदा है, अल्लाह दे कलिमा ते भी ईमान रखदा है। वत्तांबे उओ ते सारे ओंदी इत्तबा करन वाले बन जाओ। अल्लाह दे कुरान ने ऐलान फरमा दिता है कि नबी दा हक वे कि ओदा ते ईमान भी ले आंदा जाए, जो नबी शरीयत लेके आए ने ओदे ते ईमान भी ले आंदा जाए और ओदी इत्तबा भी की जाए, आप दी लाई हुई शरीयत नू मन्या जाए, ओदे ते अमल पैरा होंदा होया जाए। और मेरे तेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते ने आओ ना नबी दा फरमान भी ईमान दे हवाले नाल नोट फरमा लो। ओ खुश किस्मत लोग जिन्ना ने मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दियां ज़ियारतां फरमाइयां ने, आप ते ईमान लेके आए ने। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा खुशखबरी सुनाई है, एक मरतबा बशार सुनाई है। ओ बुर्ज रण सिंह दे अब्बासियो, इरदा गिरद तो आने वालों किताबो सुन्नत दे परवाने हो, और तुसी किड्डे खुश किस्मत जे तुहाडे वास्ते मेरे पैगंबर ने सात मरतबा बशारतां सुना दित्तियां ने, सात मरतबा बशारत सुनाई है। आओ ना हदीस पाक दे अल्फाज ते गौर फरमाना। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने तूबा लिमन रानी व आमन बी, तूबा लिमन रा व आमन बी, व तूबा सब अमरातिन, व तूबा
سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي. آقا ورما دینے اس بندے واسطے بشارت خوشخبری ہے. او قادی خوشخبری میرے پاک پیغمبر اسلام فرما رہے نے او جنت دیاں بشارتاں دے رہے نے. میں تے حدیث پاک قدر پڑے ہے توبہ دے کئی معنی نے اور رب العالمین نے ایک جنت دے اندر درخت پیدا فرما دتا ہے او جدا نا رب العالمین نے توبہ رکھ دتا ہے. او ایسا درخت جندا رب العالمین نے توبہ نام رکھے ہے توبہ جنت دا درخت ہے. میرے پاک پیغمبر اسلام فرما دے نے اللہ رب العالمین جنتیاں نو جڑا لباس عطا فرمان گے جنتیاں نو جڑا لباس ملے گا. آ فرما دے نے اس توبہ درخت شگوفیاں چو نکالیا جائے گا او جنتیاں نو لباس جیڑا اے. میرے آقا اس توبہ جنت دی بشار عطا فرما رہے نے. آقا فرما دے نے جن نے مینوں ویکھیا تے میرے تے ایمان لے کے آیا اے او دے واسطے ایک مرتبہ توبہ ایک مرتبہ بشارت اے. اگے آقا فرما دے نے وا توبہ سب مرات اس بندے واسطے سات مرتبہ بشارت اے. سات مرتبہ خوش خبری ہے کس بندے واسطے ورمایا لے ملم یارانی لے ملم یارانی وامن بھی جنہیں میں نو ویکھیا نہیں بن دے کے میرے تے ایمان لے کے آیا ہے اور جنہیں میں نو ویکھیا نہیں کڈے پاگاں والے تے قسمتاں والے ہو. میں اپنا بھی پاک نو ویکھیا نہیں لیکن پھر بھی ساڈا ایمان ہے کہ نبی آخری نبی اللہ دا ہے. ساڈا آپ دی نبوت تے ختم نبوت تے ایمان ہے. اور پھر او بد نصیب جڑے میرے آقا تے ایمان نہیں لے کے آئے اور میرے پاک پیغمبر اسلام دی شریعت نو منیا نہیں دا شریعت تے عمل پیرا نہیں ہوئے. میرے پاک پیغمبر اسلام نے انہاں بد نصیباں واسطے جہنم دے ٹھکانے دس دتے نے. دعا کر اللہ مینوں تینوں نبی تے پکا ایمان لیان والا بنا دے وے. اللہ مینوں تینوں آقا دی لائی ہوئی شریعت دا پابند بنا دے وے. آؤ حدیث پاک دے الفاظ تے غور فرمانا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دینے والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیادگی. آقا قسم اٹھا کے فرما رہنے کائنات یو لوگو والذی نفس محمد بیادگی. نبی پاک علیہ السلام قسم اٹھا کے فرما رہنے نے فرمایا لا یسمع بی احد لا یسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ثم یموت لا یؤمن بالذی ارسلت به إلا كان من أصحاب النار. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دے مینو اس ذات دی قسم جدے قبض ہے قدرت اندر میں محمد دی جان صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دے حدیث پاک دے الفاظ تے غور فرمانا. آپ فرما دے لا یسمع بی لا یسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ثم یموت لا یؤمن بالذی ارسلت به. آقا فرما دے نے میری امہ دا کوئی بھی بندہ پاویں یہودی ہوئے تے پاویں عیسائی ہوئے نصرانی ہوئے او میرے بارے سنے
ते फिर उनू मने ना ईमान ना लेके आए लम ला युमिनून बिल्लादी और सिल तो बेही ते जेड़ी मैं शरीयत लेके आया वा जो रब्बुल आलमीन ने मैनू दे के भेजे आए उस शरीयत दे भी ईमान नहीं ले आंदा वो शरीयत नू भी नहीं मानदा ऐसे हालत अंदर उनू मौत आ जांदी है ऐसे हालत अंदर मर जांदा है मेरी लाइफ शरीयत नू मानदा नहीं दा मेरी लाइफ शरीयत ते अमल पैरा नहीं हुंदा मेरे आका फरमांदे ने ऐसे हालत अंदर इनू मौत आ जांदी है फरमाया इल्ला का नमिन असहा बिन ए बंदे दा ठिकाना जहन्नम बन जाएगा अल्लाह मेरी तौबा दुआ करना अल्लाह मैनू तेनू महबूब ते सच्चा ईमान नसीब फरमा देवे और आका अलैहि सलातो व सलाम दी लाइह शरीयत सानू पाबंद बना देवे अल्लाह सानू आका दी नबूवत और खत्मे नबूवत दा सच्चा पहरेदार ते चौकीदार बना देवे क्योंकि आप अली सलातो व सलाम ते अल्लाह ने नबूवत दा दरवाजा बंद कर दिता है आप दी शरीयत तो बाद और किसी दी शरीयत कायनात अंदर नहीं चल सकती क्योंकि रब्बुल आलमीन ने जो मुकाम ते मरतबा आमना दे लाल अली सलातो व सलाम नू अता फरमाया और किसी दे हिस्से अंदर नहीं आया और साहिबे दिल बड़ी प्यारी बात कर दे मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दी अजमत शान दे बारे फरमाया मोहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा मोहम्मद कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा जहान दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा ओ जिथे रात मेराज सरकार पहुंची जिथे रात मेराज सरकार पहुंची सत्तां वलकानों चीर जाबार पहुंची मुकाम उसते नबियां चो जा कोई नहीं सकदा जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा ओ खत्मे नबुवत दा सालार आया ओ खत्मे नबुवत दा सालार आया नबुवत दे बूहे नू है मार आया नवा नबी कोई जगते हुन आ कोई नहीं सकदा मोहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा अल्लाह मैनू तेनू ऐसे कीमती नबी ते सच्चा ईमान नसीब फरमाए और आका दी लाई ही शरीयत दा सानू सच्चा पाबंद बना देवे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा पहला हक इस उम्मत दे ए वे कि आका ते ईमान ले आंदा जाए और आप दी लाई ही शरीयत ते अमल पैरा होया जाए आप दी शरीयत नू मन्ने हा जाए और आका अलैहि सलातो व सलाम दा इस उम्मत दे जिम्मे दूसरा हक ए वे कि आका अलैहि सलातो व सलाम दी ताजीम कीती जाए आका दी तौकीर कीती जाए आप अलैहि सलातो व सलाम दा अदब कीता जाए इस वास्ते रब्बुल आलमीन ने आमिना दे लाल अलैहि सलातो व सलाम दी जिंदगी मुबारका दे अंदर ही आप अलैहि सलाम दे सहाबा नू आप दी इज्जत आप दी तौकीर आप दा अदब करन दा हुक्म नादल फरमा दिता है और ऐलान फरमा दिता है मेरे नबी दे सहाबियो
जिथे मेरा पाक पैगंबर इस्लाम मौजूद होए आकल ही सलातो व सलाम दी मौजूदगी दे अंदर तुसी मेरे पाक पैगंबर इस्लाम नू जिवें आपस दे एक दूसरे नाल बात कर दे जे इंज बात नहीं कर सकते जिवें आपस एक दूसरे नू बुलांदे जे उवें या करके तुसी मेरे पैगंबर नू नहीं बुला सकते और ना ही मेरे पाक पैगंबर दी अली सलाम दी आवाज़ तो तुहाडी आवाज़ उच्ची होनी चाहीदी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप दी जिंदगी अंदर आप दी मौजूदगी दे अंदर सहाबा किराम नू आप दी ताजीम आप दी तौकीर करन दा हुक्म नादल फरमा दिता है और रब्बुल आलमीन दा कुरान सिमात फरमाओ। रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहे 18वां पारा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो कायनात दियो लोगो ला तजअलू दुआ अर रसूल बैनकुम ला तजअलू दुआ अर रसूल बैनकुम का दुआ ए बाज़ेकुम बाज़ा ओ जिवें तुसी आपस अंदर एक दूसरे नू बुलांदे जे ओ या जैद या बकर या फलां या फलां जिवें आपस अंदर एक दूसरे नू बुलांदे जे एवें मेरे नबी नू नहीं जे बुलाना मेरे नबी दी ताजीम करनी है तौकीर करनी है बड़े अदब नाल पेश आना है ला तजअलू दुआ अर रसूल। अल्लाह फरमांदे ने मेरे पैगंबर नू उंज नहीं बुलाना जिवें तुसी आपस एक दूसरे नू बुलांदे जे। कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौले कजहर बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह फरमांदे ने ईमान वालेओ ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबीए तुहाडी आवाज़ नबी दी आवाज़ तो उच्ची नहीं होनी चाहीदी तुहाडी आवाज़ नबी दी आवाज़ तो उच्ची नहीं होनी चाहीदी। और मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दे सहाबा किन्ना कुरान मजीद दी आयात अमल करन वाले ने ए आयत नाज़िल हुई है ना मेरे नबी दे सहाबियो मोमनो तुहाडी आवाज़ नबी दी आवाज़ तो उच्ची नहीं होनी चाहीदी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जिदो आयत सुनी है ना मेरे पाक पैगंबर इस्लाम कोल बैठे ते इन्नी ऐसा बोल दे इन्नी ऐसा बोल दे पाक पैगंबर इस्लाम नू दोबारा पुछना पै जांदा ओ यार उमर की गल कीती हो की पुछना चाहना है इन्हें उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो डर डर के मेरे पाक पैगंबर इस्लाम कोल बैंदे किते आका दी आवाज़ तो उच्ची आवाज़ ना हो जाए ऐसा ऐसा गुफ्तगू कीता कर दे इधर मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दा परवाना ते जाने सार साबत बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जिन्हां दी रब्बुल आलमीन ने कुदरती तौर ते फितरी तौर ते आवाज़ उच्ची बना दीती है आवाज़ बुलंद कर दीती है। ए ऐत सुनिए साबत बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप दी मजलिस विच आना ही छड़ दिता है कारी बह गए ने परेशान ते परेशान पशेमान ने कारी बैठे ने आका अली सलाम दी मजलिस विच आना ही बंद कर दिता है किते नबी पाक दी गुस्ताखी ना हो जाए
मेरे पाक पैगंबर ली सला तो वसलाम पुछते ने और मेरे साथियो साबत बिन कैस नजर नहीं पे आंदा की गल मजलिस च नहीं पे आंदा उदा पता ते करो ना एक आदमी पता करन जांदा है मेरे पाक पैगंबर ली सलाम दा परवाना साद बिन माज रजी अल्लाह तआला अनहो जेडे साबत बिन कैस दे हमसाए भी ने सही मुस्लिम दी हदीस दा तर्जमा पे करना मेरे पाक पैगंबर ली सलाम दा परवाना साद बिन माज रजी अल्लाह तआला अनहो गए जाके पुछया साबत की गल किवें कार अंदर ही परेशान बैठे किवें कार अंदर ही परेशान पछेमान बैठे की गल आका दी मजलिस विच नहीं आंदा साबत बिन कैसा दे ने यार कहना की मैं ते हलाक हो गया मैं ते बर्बाद हो गया मैं ते जहन्नमी बन गया और मेरी ते कुदरती तौर ती आवाज़ उच्ची है कुदरती तौर ती आवाज़ बुलांदे ते रब्बुल आलमीन ने हुक्म नादल कर दिता है ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौत नबीए तुहाडी आवाज़ नबी दी आवाज़ तो उच्ची नहीं होनी चाहिए मैं ते हलाक हो गया तबाह हो गया मेरे पाक पैगंबर इस्लाम नो साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अनहो इंज करके जाके दस दिन सोनिया मामला ऐ बन चुके आए मेरे पाक पैगंबर इस्लाम फरमाते ने आका फरमाते ने जाओ साबत बिन कैस नू दस दियो अल्लाह ने तेरी आवाज फितरी तौर ते बुलंद कीती है तू जहन्नमी नहीं तू ते जन्नती बंदा है इस वास्ते मेरे बरादर नबी पाक अली सलातो व सलाम दी ताजीम ते तौकीर ते अदब सहाबा ने करके दिखा दिता है और मैनू तेनू रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमा दिता है कि मेरे नबी दी इज्जत करनी होएगी तौकीर करनी होएगी मेरे आका दा अदब करना होएगा मेरे पाक पैगंबर अली ही सलातो व सलाम दा तीसरा हक एवे इस उम्मत दे जिम्मे के नबी पाक अली सलाम दे नाल सब तो वद के मुहब्बत कीती जाए सब तो वद के मुहब्बत कीती जाए मेरे पाक पैगंबर ही सलातो व सलाम दे नाल रब्बुल आलमीन ने इस वास्ते जिन्ने भी कीमती जड़े रिश्ते ने करीबी तो करीबी रिश्ते ने रब्बुल आलमीन ने उन्हां दा तज़करा फरमाया तज़करा फरमा के अगे इरशाद फरमा दिता है कहना दे लोगो और नबी पाक अली सलातो वसलाम दी जबानी ऐलान करवाया सोनिया कायनात वालियां नूं ऐलान फरमा देवो अल्लाह फरमांदे ने कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतुकुम व अमवालुन क़तरफ व तिजारतुन तखशौन कसादा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाह لا يهدي القوم الفاسقين अल्लाह दे कुरान ते गौर फरमाना रब्बुल आलमीन ने कीमती ते करीबी रिश्तियां दा तज़करा फरमाया फरमाया ऐ कायनात दे लोगो अगर तुहाडे माँ बाप अगर तुहाडे भरा तुहाडियां औलादां तुहाडियां बीवियां तुहाडे अजीज़ो कारब ते रिश्तेदार तुहाडे मालो मतान तुहाडे कारोबार ऐ तुहाडियां बुलंदो बाला कोठियां जिन्हां तुसीं बड़ा ही पसंद करदे जे मां बाप नाल मुहब्बत करना जुर्म नहीं मुहब्बत करनी चाहिदी है औलाद नाल मुहब्बत करना जुर्म नहीं करनी चाहिदी है और रिश्तेदार नाल मुहब्बत करनी चाहिदी है पर रब्बुल आलमीन फरमांदे ने सारयां नाल मुहब्बत करो पर अहब्ब
अलैकुम मिन अल्लाह व रसूल ही सारियां तो वध के मुहब्बत करनी है ते आमना दे दुर्रे यतीम नल करनी है। सब तो वध के मुहब्बत करनी है और असल मुहब्बत जेड़ी है आप दी इत्तेबा की जाए। असल मुहब्बत का जेड़ा मेयार है वह आका दी इत्तेबा की जाए आप दी ताबेदारी की जाए। रब्बुल आलमीन कुरान पाक अंदर फरमा रहे ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु ग़फूरुर रहीम। इस वास्ते मेरे बरादर मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दे रब्बुल आलमीन इस उम्मत दे जिम्मे हक रख दिते ने कि आका अलैहि सलातो व सलाम ते ईमान ले आंदा जाए आप दी लाई हुई शरीयत ते अमल पैरा होया जाए और नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दी तादीम और तौकीर की जाए और आका अलैहि सलातो व सलाम दे नाल सब तो वध के मुहब्बत की जाए। और भी बहुत ज्यादा हकूक ने नबी पाक अली सलातो वसलाम दे वक्त इजाजत नहीं कि सारे हकूक का तस्करा किया जाए। अल्लाह इतने कीमती नबी का सानू सच्चा ताबेदार बना दे और कितना कीमती नबी मैं अपनी मुहब्बत का इजहार किया है इतना अजीम नबी के सब दरोद ते सब सलामा ओ सब दरोद ते सब सलामा ते लायक शाम दिना सब दरोद ते सब सलामा लायक शाम दिना ओ जिस दे नाम नूं सुनदे आं पढ़दे आं केड़ा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फिर कह दो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ जिस दे नाम नूं पढ़दे आं सुनदे आं ओ ठरदा जिगर ते सीना ओ मुखड़ा हुजूर दा इतना सोना ओ मुखड़ा हुजूर दा इतना सोना ओ मिसल न ज़हनी आवे ओ चन दे चेहरे दाग दुसेंदे हुजूर दा साफ दिसावे ओ कितना कीमती नबी है अहलम व सहलम मरहबा मारे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहलम व सहलम मरहबा फजीलतु शेख मुहतरम जनाब कारी शिबगतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आ चुके ने। अल्लाह इन्हां दा आना अपनी बारगंदर कबूल फरमाए। बस बात खत्म करन लगा के मुखड़ा हुजूर दा इतना सोना ते मिसल न ज़हनी आवे ओ चन दे चेहरे दाग दसेंदे हुजूर दा साफ दिसावे अखा माजा गल बसर नमूना अखा माजा गल बसर नमूना ते जेड़िया सुरमे परियां नाल ईमानो जिस कीती ज़ियारत ते ओ दोई जहानी तरियां ते जुल्फां मुश्क बहारां लटकन ते जुल्फां मुश्क बहारां लटकन जां वल्लैल मसाला गढ़ तस्वीर मुसव्वर सोने ते कीतियां आप कमाला ओ सोनिया उंगलियां विच्चों ठंडे ते चश्मे हुंदे जारी
चन वाले जे इशारा होवे ओ चन वाले जे इशारा होवे ते टुकड़े पहली वारी अल्लाह करीम अगे दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू कमाह कहो आका अलैहि सलातो व सलाम दा सच्चा ताबेदार और हुबदार बनाए व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हफीज इस्लामिक सेंटर मेरा यार इलाहाबाद तो आया है भाई अब्दुल हफीज साहब ये बात तो पूरी दुनिया दे जाएगी।